formally. जी बस ओपन फॉर्म. और इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं इसमें? जो सर प्रॉपर प्ले भी हो सके, हीट रेजिस्ट. हाँ वैसे ये वर्किंग है ऑटो प्ले. खुद ही स्टीम तैयार करता है, खुद ही पानी लेता है. लोकल है? जी लोकल. दो बॉयलर है, एक है बैकअप में, लेकिन दो बैकअप में. ठीक है. पांच ये दो लोकल हैं और ये तीन इंपोर्टेड ऑटोक्लेव हैं. इंपोर्टेड लेकिन इन्हें मैनुअल किया होगा. बॉयलर्स में से ही स्टीम दी हुई है, इनका अपना ख़त्म किया हुआ है. जी सही. छोटा है ये काफ़ी. जी सर ये भी बहुत छोटा है, तकरीबन 60-60 लीटर तक तक है. 60-70 लीटर ऐसे. सोलह तीस. सब एक जैसे ही हैं या ये बेहतर है वो? नहीं सब एक. ये बड़े हैं ये 1636 है. इसमें आपने ऐसे ही रख दिया तो इसमें ये सिंगल जैकेट है ना? सिंगल जैकेट है ना? जी सर. कि डबल है? इसके बाहर का चैम्बर है? जी जैकेट. हाँ और ये चैम्बर अंदर. जैकेट भी है ना, यानी वो जो डबल चैम्बर बोलते हैं वो है. तो इसमें से ड्राई निकलता है सामान? जी सर. बिल्कुल. इसके नीचे ही अगर ऐसे ही आप सिर्फ ये लें ना तो इसके नीचे ही टैंकी लगी होती है. इलेक्ट्रिक भी और गैस भी. नीचे से पानी बॉयल होता है, जैकेट में आ जाता है. फिर इधर वो जैकेट और चैम्बर का वेल्व होता है, वो खोलते हैं तो स्टीम चैम्बर में आती है. सही है. सिर्फ इतना अपना भी चल सकता है. मैं पूछ ही रहा हूँ कि ये जैकेट वाला जो है इसमें से ड्राई निकलता है सामान? बिल्कुल ड्राई. जैकेट और जैकेट वाला ही होता है ऑटोक्लेव जो होगा. सिंगल भी होता है, सिर्फ चैम्बर वाला भी होता है. वो हॉरिजॉन्टल होता है. लेकिन ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, जब आप इसमें पूरा कर लेते हैं साइकिल, ये थोड़ा ठंडा हुआ आपने खोल लिया, सामान बिल्कुल ऐसे ड्राई निकलेगा बिल्कुल जैसे मैं हाथ लगा? टेक्निक पे डिपेंड करता है. वो क्या? स्टीम ठंडी होकर पानी बनना ही बनना है. वो आपने कैसे ड्रेन करनी है ये चलाने ऑपरेटर पे डिपेंड करता है. ठीक है. लेकिन इसको आपको बाद में ड्रायर में रखने की ज़रूरत है? नहीं बिल्कुल ड्राई निकले. बिल्कुल ऐसे ही निकले. ठीक है. इत्तेफाक में आपने इसमें किया हुआ काम? इत्तेफाक में ये नहीं देता वो तो इलेक्ट्रिकल गिटिंगे लगे हुए हैं तो वैक्यूम करता है, तो ड्रायर को वैक्यूम से कर देता है. तो बहुत हाई टेक चीज रखी है. वो एन क्लास है, ये सी क्लास है. एन और सी में क्या फ़र्क है? एन वाला सर जो होता है वो स्टीम देने से पहले नेगेटिव प्रेशर देता है. सही है. वो अगर 100 मीटर तक की ट्यूबिंग भी पड़ी है ना तो उसमें से भी सक कर लेगा, और जब स्टीम देगा ना तो वो नेगेटिव प्रेशर स्टीम को खींच लेगा तो 100 मीटर तक स्टीम चली जाएगी. सही. और इसमें सी क्लास में क्या है? इसमें सर डायरेक्ट स्टीम देनी है सिर्फ. सही. तो यानी स्टेलाइजेशन ऑब्वियसली उसकी बहुत बेहतर है. उसकी बहुत बेहतर है लेकिन इधर यही चलते हैं. वो दिखाएंगे ये किन पे यूज़ करते हैं पैकिंग?
सिंगल इंस्ट्रूमेंट वगैरह आ जाए तो उसके लिए दो शीट्स वेस्ट भी करते हैं। ठीक है, ये सिंगल सेल्फ पैकिंग है। ठीक है, ये सीलर मशीन के साथ। और इंटरनल इंडिकेटर यूज कर रहे हैं? जी सर, स्टेरिस्टिक। ये क्या है? ये सर वॉशर है। अच्छा, वॉशर डिसइंफेक्टर है जी। ये सिर्फ ये वेव्स में अल्ट्रासोनिक पहले इसमें करते हैं? नहीं सर, फिर? ये हम यूज करते हैं, इसमें सॉल्यूशन डालते हैं एक्टोसिड। ठीक है, इन केस अगर कोई सर्जरी हो जाती है सी पॉजिटिव, एचआईवी डी पॉजिटिव, तो वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स हम वॉश करने के बाद इसमें रखेंगे। सही है, तो उसके बाद ऑटो क्लियर जी। और अगर दूसरे इंस्ट्रूमेंट नॉर्मल केस हुआ है, रिदर के क्या हुआ है? ये सर वो चीज़ें रखी हुई हैं, दिखा दो डर्टी है किस तरह से। अच्छा, आपको सामान ये ऑटोमेटिक है या मैनुअल सर? स्टेरी स्ट्रिप्स ये अंदर रखते हैं? जी सर, अंदर रखेंगे, ये ब्लैक हो जाएगी। ये एक्सेप्ट की रेंज में जाएगी तो एक्सेप्टेड है। तो ये कब कब करते हैं इसको यूज, कब करते हैं इंटरनल को? सब में करते हैं या सब में करते हैं। सबसे पहले यहाँ धोते हैं जी सर, ये विंडो से रिसीव करते हैं, यहाँ पे धोते हैं, यहाँ पे ड्रायर पैकिंग। और ये जो है डायथर्मी के प्रोब्स, इनको किस तरह से करते हैं? बस धोते हैं? वैसे तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, डेढ़ सौ की लीड है और डेढ़ दो सौ का ही पाइप है, तो हर पेशेंट ही ले आता है। लेकिन इधर थोड़े से पेशेंट काफ़ी पुअर आते हैं तो फिर इन्हें फॉर्मलिन में हम तैयार करते हैं। वो क्या सॉल्यूशन है? ये सर हैंड सैनिटाइजर है। सही।